कसम खवा के। सो हे गाइज, दिस इज कमलेश एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आपने जैसा कि स्टार्टिंग में जो फ्रेंड्स के लिए स्टेटस आपने देखा, इस तरह का स्टेटस अपने फ्रेंड्स के लिए क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। जो भी आप स्क्रीन पे काइन मास्टर एप्लीकेशन देख पा रहे हो, अगर आप इस तरह का डाउनलोड करना चाहते हो, इसी एप्लीकेशन में आप वीडियो को एडिट करना चाहते हो, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाइए और वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसको आप ओपन करोगे तब। अब आपको यहाँ पे प्लस के करके जाना होगा ना, जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसको आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको एक नया इंटरेस्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह का। तो आपको सबसे पहले मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और आप दोस्त भाई लोगों की जो भी फोटोज होगी उन सभी को आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हो तो फिर से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपके फोटो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों फोटो के बीच में जो भी यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। आपको सिंपल इस तरीके से क्लिक कर लेना होगा और आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन को डाउनलोड करना होगा। तो आपको सबसे पहले डेटा ऑन करने वाला, आपको जैसे कि यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके एक ट्रांजेक्शन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो उसका नाम है यहाँ पे लाइट ब्लर के नाम से आपको मिलेगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे गेट मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लाइट ब्लर को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ 6 फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। तो आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। एंड आपको यहाँ पे सेकंड पे जैसे क्लिक करोगे फिर से आपको उसी ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे यहाँ पे 6 में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर से आपको यहाँ पे नया ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। तो गाइज, आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या होगा, जो भी यहाँ पे सभी फोटोज के बीच में यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे जल्दी से एक बार सभी में कर देना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फाइनल गाइज, मैंने यहाँ पे सभी फोटोज में ट्रांजेक्शन को दे दिया है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली फोटो एंड लास्ट फोटो का आपको ड्यूरेशन को कम कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे इनके ड्यूरेशन को कम कर लेना होगा क्योंकि हमारी यहाँ पे फोटो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन बड़ा हो चुका। तो कुछ इस सारी फोटोज आपके यहाँ पे इक्वल हो जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका वीडियोस बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और इस वीडियो को आपको सिंपल यहाँ पे HD 720 पिक्सल पे एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होकर गैलरी में सेव हो चुका। आपको सिंपल यहाँ पे बैक आना होगा और आपको कुछ इस तरीके से बैक आने के बाद फिर से आपको एक बार यहाँ पे बैक आना होगा। इस तरीके से आपको प्लस के करके जाना होगा और फिर से एक और नए इंटरफेस को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अब गाइज, आपने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइज, मैंने इस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, आपका वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे जो भी आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर जैसे क्लिक करके बेसिक इफेक्ट पे जाओगे, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते ही आपके वीडियो में ब्लर लग जाएगा। तो ब्लर को आपको करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन में कर लेना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 सेलेक्ट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इस ब्लर के ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक ले जाना होगा जहाँ तक आपका वीडियो पूरा खत्म हो रहा है। फिर से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा, एक टेम्पलेट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना होगा। लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा, डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद उसको आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आप देख पा रहे हो मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे जाने के बाद इसको सिंपल फुल स्क्रीन में कर लीजिए। फिर से आपको इसी टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल स्क्रीन पे सिलेक्ट कर लेना होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। वीडियो आपका यहाँ पे काफ़ी शानदार यहाँ पे बनने वाला है। तो आपको लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा, जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था उसी को फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, जो भी यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में आपको बिल्कुल इक्वल तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना होगा। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। सिंपल आपको यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, 3 डॉट पे जाना होगा, यहाँ पे आपको फ्रंट पे कर लेना होगा। आप फ्रंट पे जैसे करोगे आपका वीडियो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से टेम्पलेट के पीछे की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपना वीडियो को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो गाइज, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, आपका वीडियो में प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो चुका है। मैं आपको वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आपको सिंपल ऑडियो के ऑप्शन पे जाना होगा, जो भी फ्रेंड्स का यहाँ पे सॉन्ग होगा उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना होगा। बस गाइज, आपको इतना काम करना होगा, वीडियो को मैं चलाकर दिखाता हूँ। तो गाइज, आपने वीडियो को देख लिया, आपका वीडियो यहाँ पे काफी ओसम तरीके से एडिट हो जाएगा। शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, सिंपल वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।